हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल विद भारत। और आज है थर्ड डे नेपाल में, अभी भी पोखरा में ही हूँ। आज पूरे दिन यार सुबह उठ के थोड़ा चिल कर रहा था हॉस्टल में। मैट डिफरेंट कंट्रीज पीपल, चिट चैटिंग विद देम। सो अभी निकला हूँ और आज आपको दिखाने वाला हूँ नेपाल की पोखरा की नाइट लाइफ एंड लेक साइड में बड़ी अच्छी नाइट लाइफ होती है। सो कौन कौन से क्लब्स हैं, बार्स हैं, पूरा आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल एक पार्क है यहाँ पे, तो हॉस्टल के पास में ही है, 2-3 किलोमीटर। अभी पार्क देखने निकला हूँ और लेक साइड में वॉक कर रहा हूँ अभी। सो ये एक छोटा सा पार्क है, आई डोंट नो कैसा होगा, लेकिन देखने निकल रहा हूँ यार। सनसेट होने का टाइम है, यू कैन सी इट। छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं हर जगह पे पोखरा में, तो यार छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स। डॉगी आ गया हमारा, हेलो बेबी। सी छोटी सी गली है, गुफा जैसा है यार पूरा। पता नहीं, देखो आगे क्या निकलता है। निकल पड़े हैं देखने के लिए पार्क। अरे वाह, इट्स ब्यूटीफुल। ये पूरी फीवा लेके आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बोट्स वगैरह हैं। सो यहाँ वहाँ से भी बोट्स मिलती है वैसे, कल जब हम गए थे ट्रैक पे ऊपर, कल हम वहाँ पे गए थे वो वाले ऊपर पहाड़ पे। सो अच्छी है, लेक अच्छी है यार, डोंट वरी। अंदर मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स वगैरह कुछ नहीं है। एंड इसकी जो गहराई है, डेप्थ है, वो 200 मीटर्स है फीवा लेक की। सो ये देखो लश ग्रीनरी, साइड में कुछ रिजॉर्ट वगैरह होटल्स वगैरह बने हुए हैं। एक भाई साहब स्कूटर सीख रहे हैं शायद। सो चलो आगे चलते हैं यार, दिखाता हूँ आपको कैसा है। सो ये यहाँ का लेक साइड का अपना क्या कहते हैं नाइट लाइफ है, और भी बताऊंगा आगे, वीडियो में बने रहिए। बट इस तरीके से कुछ दिखता है नाइट लाइफ। पूरा लेक व्यू है नाइट के टाइम पे, डजंट इट सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल ना यार। सो बस अभी निकले हैं नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए, देखते हैं क्या क्या मिलता है आगे। बताता रहता हूँ आपको। है लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है यार। आवाज आ रही है ना सामने से, यू कैन हियर द वॉइस, पीपल आर डांसिंग। सामने मैरी गो राउंड है, हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है यार। मतलब ये टाइम एक्चुअली पोखरा घूमने के लिए, नेपाल घूमने के लिए बिल्कुल सही है, बिकॉज ये टाइम पे क्या है ना, ये टाइम पे आपको ना ज़्यादा गर्मी मिलेगी ना ज़्यादा ठंड मिलेगी, इट्स वेरी वेरी कूल वेदर। मैंने कुछ जैकेट वगैरह भी नहीं पहन रखा है एंड स्टिल इट्स गुड, फीलिंग गुड। यू कैन सी ऑल दिस सेटलमेंट्स हियर, ये सब लेक साइड पे बने हुए हैं, छोटे छोटे, आप बीच चेक कह लो, रेस्टोरेंट्स बोल लो, एनीथिंग। एंड दिस इज द मैरी गो राउंड। बच्चे लोग शोर मचा रहे। Yeah.
ये पीछे का व्यू है। Chickens. A lot of fishes. I'll go for this side. यहाँ पे कुछ बता सकते हैं इन लोगों ने, पता नहीं क्या। Hello, how are you? You good? Thank you. हर जगह पे है यार रेस्टोरेंट्स वगैरह, लेकिन आप जब लेक साइड में आएंगे तो आपको बता दूं इट्स वेरी वेरी कॉस्टली। अगर आप कपल वगैरह आ रहे हैं 5-7 दिन के लिए, देन इट्स ऑलवेज गुड। बट अगर आप बजट ट्रिप पे आ रहे हैं 20-25 दिन की, देन नेवर गो देयर। मैं तो जा नहीं रहा यार, मेरे को 3 दिन हो गए लेकिन मैं तो गया नहीं। मैं छोटे रेस्टोरेंट्स में खाना खाता हूँ यार, बजट ट्रिप करनी है तो बस घूमने निकल जाता हूँ, दूर से देख के ही बस खुश हो जाता हूँ यार। ऐसा नहीं है आप यहीं पे बैठ के पियो, आप बाहर से वाइन शॉप से, यहाँ पे रिटेल शॉप्स हैं बियर्स और वाइन की और विस्की और रम की, वहाँ से आप मार्केट में है वो, वहाँ से लेके और आप यहाँ पे नीचे की साइड बैठ जाओ और यहाँ पे भी ड्रिंक कर सकते हो। सो ड्रिंकिंग इज अलाउड, इट्स काइंड ऑफ अ लाइव म्यूजिक। हैप्पी होली। अब अंदर मजा कर रहा है भाई, सच्ची में एंजॉय कर रहा है सच्ची में। अब हम लोग आ गए हैं पोखरा मार्केट के अंदर। दिस इज अ मेन स्ट्रीट लेक साइड से निकल के। यहाँ भी काफी सारे क्लब्स वगैरह हैं यार, बताता हूँ आपको, बने रही है वीडियो में। बट क्लब्स वगैरह जनरली 12 बजे तक चालू रहते हैं, 12-12:30 तक, लेकिन ये मार्केट जो है ना वो 10-10:30 तक बंद हो जाता है, तो आप उसी हिसाब से आइएगा। क्लब्स वगैरह चालू रहते हैं 12-12:30 बजे तक यार। हेलो। के सामने रेस्टोरेंट जो है, यहाँ पे थोड़ा सस्ता खाना मिलता है, चाउमीन वगैरह सस्ती मिल जाती है, बट खाना इतना सस्ता नहीं है यार नेपाल में, मतलब तो पोखरा में अभी तक। काठमांडू तो मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया नहीं है, बट अभी तक इतना है नहीं। सो लेट्स सी, मतलब मेरे को पर डे एक, मतलब आप लंच और डिनर, मतलब लंच का लगा लो तो मैं थोड़ा बजट में ही खाता हूँ, फिर भी मेरे को इंडियन करेंसी में 200 रुपये हो जाते हैं, 200 रुपीज़ फॉर द लंच। इंडिया फिर भी काफ़ी चीप है यार सच्ची में, इंडिया के अंदर मतलब 100 रुपीज़ के अंदर इंसान भरपेट खाना खा लेगा। मैं श्रीलंका भी घूम के आया, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ भी घूम रहा हूँ लेकिन खाना सस्ता नहीं मिल रहा। हाँ, रुकना ज़रूर सस्ता है, मेरे को लगता है कि इंडिया में स्टे करना कॉस्टली है, फूड चीप है, बट श्रीलंका और नेपाल अभी तक स्टे इज़ वेरी चीप बट द फूड इज़ वेरी कॉस्टली। क्लोथिंग वगैरह का भी है, शॉपिंग वगैरह का भी है यहाँ पे, लेकिन बारगेनिंग करना मत भूलना। अगर 1000 रुपये आपको कोई बोल रहा है कोई भी चीज़ के, तो उसको 500 से स्टार्ट करना, तब जाके वो 600-650 पे आएगा। मैंने आज 2 टी शर्ट्स ली थी, मेरे को बोला 1300-1300 रुपये, और फिर फाइनली 700 रुपये में दे दी एक टी शर्ट, अच्छी थी टी शर्ट लेकिन। सो काफ़ी है यहाँ पे शॉपिंग, शॉपिंग करने के लिए मैं बोलूँगा आपको, अगर शॉपिंग करनी है ना तो ऑलवेज़ गो टू काठमांडू, वहाँ पे एक मार्केट है, पता नहीं, आई मीन नाम पता नहीं है मुझे अभी तक, जाके बताऊँगा काठमांडू के जब व्लॉग स्टार्ट करूँगा, बट वहाँ पे काफ़ी सस्ती मिल जाती है, मतलब 250-200 तक अच्छी टी शर्ट्स मिल जाती है वहाँ पे, इवन जैकेट्स वगैरह भी काफ़ी सस्ती है वहाँ पे, देन यू कैन गो एंड यू कैन परचेस फ्रॉम देयर। यहाँ पे ज़्यादा वैसे फेमस जो है ना वो ये वाला बिजी बीक कैफ़े है, चलो देखते हैं कैसा है यार।
आप लोगों को बताना तो है ही मुझे, सो लेट्स सी हाउ इट इज. सी द गर्ल्स आर कमिंग हियर. मैं अभी गया था बिजी बी के अंदर, बट आई मीन आई ड्रिंक बियर समटाइम्स, बट स्ट्रांग बियर नहीं है उसके पास में यार. And he's just giving the premium beers, and premium beers he's charging like 700 Nepali rupees, and it's quite costly for me. So I'll sit somewhere on the road, street side, and वहाँ पे 250, 300 के अंदर you will get a nice beer in Nepali currency. So let's see. See, if you will go all these places for the partying and all, of course they will charge you much. But if you will do street side, and I think that street side ज़्यादा fun होता है यार. स्ट्रीट साइड में आप जितना एंजॉय करोगे उतना ही ज़्यादा फन होगा यार. सो मेरे को तो स्ट्रीट साइड पसंद है एक्चुअली, क्लब वगैरह से जाना. सो लेट्स सी, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो कुछ मिल जाएगा यार अच्छी जगह बैठने के लिए. वहाँ से निकला था, फिर एक जगह आई थी मारवाड़ी भोज करके, मैंने सोचा चलो यार कोई इंडिया जैसा खाना होगा, वहाँ चला गया. बियर का पूछा तो वहाँ बोलने लगे 450 रुपीज़, वो भी छोटी वाली क्या कहते पाइंट बियर थी, और वो भी दैट वाज क्या कहते प्रीमियम वन. मैं बोला अरे यार मारवाड़ी में भी मिलने लगी बियर है, इंडिया में तो मारवाड़ी में नहीं मिलती. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट इन पोखरा इन कंप्लीट नेपाल जो किराना शॉप होती हैं, छोटे छोटे भी रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, आपको हर जगह पर बियर और विस्की और रम एल्कोहल विल बी सर्व, हर जगह पर मिल जाएगा. तो ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपको वाइन शॉप ही जाना है, लेकिन हाँ इन छोटी भी जगह है तो आपको 10-20-50 रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे. सो अभी मैं मेरी फेवरेट जगह पे आया हूँ जहाँ पे मैं रोज़ खाना खाता हूँ, और यहाँ पे मेरे को एक्चुअली बियर पड़ी है स्ट्रॉन्ग बियर, क्या कहते हैं जो इंडिया में मिलती है ट्यूबक, वो 300 रुपीज़ में पड़ी है. बताओ इतना सस्ता, और बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं आंटी अंकल. सो आई विल शो यू, दिस इज़ अ स्मॉल रेस्टोरेंट. तो आप कभी भी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर खाना खाइएगा. इसका नाम है पीपी लोकल इंडियन एंड चाइनीज रेस्टोरेंट. खाना बहुत सस्ता है और बड़ा टेस्टी खाना है, आप यहीं पे आके खाना खाइएगा आप कभी भी आएंगे तो. ये आंटी है हमारी. और ये बाहर का आप यहाँ मतलब सिट आउटसाइड एंड यू कैन सी द व्यू, वेरी नाइस एयर यार. सो बस यार दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही. आप आई होप आपको नाइट लाइफ एक्चुअली पोखरा की पसंद आई होगी. सॉरी मैं आपको नहीं ले जा सका कोई भी क्लब वगैरह के अंदर पूरा बताने के लिए, बिकॉज मेरा बजट इतना होता नहीं है यार. मैं बजट ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, और जितना कम मैं खर्चा करूँगा उतना ज़्यादा मैं ट्रैवल कर सकता हूँ. सो आज के व्लॉग में इतना ही. अगर आपको आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब. मुझे एक्चुअली भरोसा है आपको कि वीडियो पसंद आया होगा. सो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि कल है होली जो अपने इंडिया में होती है, और पोखरा में होली बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिएगा, मैं आपको नेपाल की होली बताने वाला हूँ. तब तक के लिए धन्यवाद, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा हंसते रहें. थैंक यू.